स्पेशल सॉन्ग है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सॉन्ग के बारे में बताइए कि किस तरह का सॉन्ग होने वाला है। यही कहना चाहेंगे कि बहुत ट्राई कर रहे हैं इसे बहुत ही क्लासी वे में शूट करने के लिए, और असलम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैंने उनका काम देखा, ही इज़ वंडरफुल एज अ डायरेक्टर, सो आई एम रियली वेरी किक्ड अबाउट द सॉन्ग, दैट द सॉन्ग इज़ रियली गोना डू गुड, और गाना भी अच्छा ही है, एंड पिक्चराइजेशन उसको बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, सो आई एम श्योर बाहर कुछ अच्छा ही आएगा। आप हमेशा से ट्रोलर्स को अच्छे से जवाब देते आई हैं, अभी जो है एक पिक्चर आई थी आपकी बिकिनी में जिसको ट्रोलर्स ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, देन आपने आंसर किया था, तो क्या कहना चाहेंगे? हेटर्स गोना से, लेट देम से इज़ ऑल आई कैन से, एंड अनदर थिंग इज़ के ट्रोलर्स मेरी ज़िंदगी में इतना अहम रोल प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, मुझे पता है, एज़ फार एज़ मेरे आस पास लोगों को पता है, मुझे और किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सो जिनको जो लिखना है वो लिखते रहें, एंड इट्स फाइन, वो नंबर्स बढ़ा रहे हैं कमेंट्स के और कुछ नहीं, सो इट्स फाइन। और कई बार उन लोग रिलीजन से भी जोड़ देते हैं, तो रिलीजियस चीज़ों से मुझे बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि मैं सबसे पहली बात एक ह्यूमन हूँ, एक इंसान हूँ, उसके बाद मैं मुसलमान हूँ, सो और हमारे इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि एक इंसान होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो जो ट्रोलर्स हैं वो जो इस्लाम को बीच में लाते हैं, तो पहले वो जाके खुद अच्छे से इस्लाम पढ़ लें, फिर दूसरे को सिखाएं। राइट, इसके अलावा अगर कमिंग बैक टू सॉन्ग, कैसा एक्सपीरियंस है अंगद के साथ? आप अंगद मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों साथ में बहुत मज़े करते हैं और वी लुक फॉरवर्ड टू वर्क टुगेदर, तो ये जब अपॉर्चुनिटी हमें मिली साथ में काम करने की, मैंने जब असलम को अंगद के बारे में सजेस्ट किया, ही वाज रियली वेरी कीन के यस श्योर एंड विदाई पेयर एवरीबडी मिसेज हम दोनों को साथ में देखना, सबको कितना पसंद है, लाइक वी सी दैट एवरी टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा यू नो एक्साइटमेंट हो गया, ओ गॉड आई गया, सो एनी वेज सो ही गॉट opportunity to work with me and today see where he is sitting. आज इसको नींद नहीं आएगी, मेरे साथ काम जो कर रहे हैं। Okay, क्या मतलब कुछ memories ताज़ा हुई अगर आप share करना चाहें? Of course, हमें आज ही हम लोग बात कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे बिकनी थी, वहाँ पे साड़ी होती थी साधना के time पे। Actually, दो shows में हमने romance किया है, एक बिदाई में और रामलीला जोड़ी में। सौभाग्य लक्ष्मी में हाँ, तीन shows तीन किए हैं, लेकिन वो ये कि लोग जो जैसे हमारे फैन क्लब्स हैं और आज भी लोग हम वेट करते हैं हमारे परफॉर्मेंस की, या हम साथ में इंटरव्यू भी देंगे तो भी सब लोग इतने खुश हो जाते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं, और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर दैट, या क्योंकि आज तक लोग हमें प्यार करते हैं जितने फैंस हैं, और उनको वेट होती है हमारे एक इंटरव्यू भी, अगर हम एक पिक्चर भी डाल दें तो वो लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, तो आई थिंक ये सारी उनका प्यार है जो आज भी हम लोग इतने 10 सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट अभी 2 महीने से तो हम हर एक हमने अभी लाल इश्क किया है, जज्बात then we are doing this song, yeah. और अभी हम एक और I'm making a short film, so Angad is the hero in that, so ये मुझे dates जैसी देगा तो हम आपको कैसे नज़र आएंगे? तो क्या date मिलने वाली है? I wish ये मुझे जल्दी date दे रहे, 2 महीने से मुझे घुमा रहा है, 2 महीने नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 10 दिन मांग रही हूँ मैं इससे, ये मुझे 10 दिन नहीं दे रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपको लगता है कि अगर ये date मांगे मैं दूँ ना, और ये मुझे छोड़ दे, ये दे ही नहीं रहा, और ये छोड़ दे तो घर आके बहाने बना देता है आके, मुझे चंडीगढ़ जाना है, मुझे ये करना है, How can you? Okay, fine, Angad कर। अब मैं सोच रही हूँ उसको replace कर दूँ। अच्छा, replace करना हो तो कौन होगा? सोचिए आप दूर दूर तक कहीं मेरे पास ना उसका वो भी नहीं है, परछाई भी नहीं है, किसको लूंगी, इसीलिए तो अटकी पड़ी हूँ कि दे दे डेट कमीना डेट नहीं दे रहा। आपके दोनों की केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन यहाँ पे सेंसुअल सीन करने में कितने कंफर्टेबल थे आप लोग? सी केमिस्ट्री वहीं से होती है कि आप हर चीज़ कंफर्टेबल होकर और इजीली और नेचुरली तरीके से करके निकल जाओ, कर रहे हैं तो हम दोनों में वो चीज़ एक तो नेचुरली टाइम के साथ साथ भी आ जाता है, और दूसरी चीज़ ये था हम शुरू से ही इतने अच्छे को एक्टर्स थे, इतने कंफर्टेबल रहते थे एक दूसरे के साथ, तो आज भी वही है, तो हर चीज़ के लिए इट्स वेरी कंफर्टेबल। या बिल्कुल सारा ने सही कहा, क्योंकि आज हम लोगों को 10 साल हो गए हैं साथ में काम करके, कहीं ना कहीं हम लोगों ने साथ ही शुरुआत की है, और अब तो ही सीख गया है तो इतनी प्रॉब्लम भी और नहीं। मैंने भी इसको इतना कुछ सिखाया है, इतनी सीखी है मुझसे, इतनी पॉलिश हो गई है। बोल्ड सीन में कितनी हेल्प करती है सारा? कपड़े उतार ले कोई बात सी, आई थिंक कहते हैं ना कि वो लोगों के लिए बहुत बोल्ड होगा, लेकिन हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग, हाँ कहीं ना कहीं वो एक फैमिली वाला फील आ जाता है, तो अब आप अपने घर में भी शर्ट उतार के घूमते हो, और अगर आप वही मतलब वही फील है। सबसे बड़ी बात ये है कि परी
his wife is also very comfortable if he's doing some. अगर यही मैं किसी और के साथ करूँ तो शायद वो एक टाइम मुझे पूछेगी कौन थी क्या थी. वो भी 10 साल से देखती है जानती है हम लोगों को कि what kind of friendship we share. So yeah, so the best part is this. कि किसी और के साथ काम करने में ऐसा लगता है girlfriend या wife को भी ना थोड़ा awkward लगने लगता है. But परी के साथ मुझे पता है कि even if she's standing here and we have to do a romancing scene, we can do it easily. In fact, वो हंस रही होगी कि क्या कर रहा है. So it's super cool. अच्छा, on a lighter note, Big Boss का promo धमाकेदार launch हो चुका है गोवा में. तो आप बिग बॉस में रह चुके हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस साल? हर बार बिग बॉस कुछ ना कुछ कमाल ही करता है, इस बार भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ धमाल होने वाला है. स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए, आपको पता ही लगेगा सब कुछ. अच्छा, ऐसा लग रहा है कि कपल थीम होने वाला है इस बार, तो कपल लोगों को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है? यार, बिग बॉस में कोई भी थीम हो ना, इट्स गोना वर्क वेल. सो लोगों को पहले यही जानना होगा कपल कौन कौन है, फिर कपल के बाद अब क्या क्या होगा. मेरा कपल अभी तक कोई इस लायक आया ही नहीं दुनिया में. लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस मेरे लिए है, तो मैं नहीं कर सकता. हाँ, मैं देख जरूर सकता हूँ शौक से तो, लेकिन हाँ, बिग बॉस मेरे लिए नहीं है. सारा, लास्टली, दिलीप साहब इज नॉट वेल, आप दोनों से जानना चाहूँगा. आज जो है उन्हें लीलावती में एडमिट किया गया, आप कोई रिएक्शन देना चाहेंगे उसका? मे गॉड ब्लेस हिम एंड वी प्रे फॉर हिज क्विक रिकवरी एंड मे गॉड ब्लेस हिम एंड बस सब प्रे कीजिए उनके लिए. और yes. वो बहुत ही, वो एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री का चिराग है. सो नाउ वही कि हम लोग प्रेयर करेंगे कि मतलब ऑफकोर्स मैं सभी को कहूँगा कि सब प्रेयर करें, क्योंकि ऑफकोर्स सीनियर हैं और दिलीप कुमार, यस, वो ही वो इंडस्ट्री हमारी रूट्स हैं. सो मुझे लगता है कि हम सबको प्रेयर करनी चाहिए और डेफिनेटली वो बिल्कुल ठीक होंगे और जल्दी घर आएंगे इंशाल्लाह. लास्टली, ये सॉन्ग के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? ये सॉन्ग के बारे में मैसेज आप हमें देंगे, तो आप लोग प्लीज़ 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 इस सॉन्ग को ज़रूर देखिएगा, डाउनलोड भी कीजिएगा जब ये आए, एक महीने के बाद ये रिलीज़ होगा. और जितने भी लोग हमें साथ में देखना चाहते हैं, प्यार करते हैं, आप लोगों के लिए ट्रीट होगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कैसा एक्सपीरियंस है, और थोड़ा सा सॉन्ग के बारे में अगर हमारी ऑडियंस को आप बता पाए, क्योंकि काफ़ी सेंशुअल है जैसे हमने देखा. हाँ, लेकिन काफ़ी टाइम बाद डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट करता रहता हूँ. एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट माय 16th म्यूज़िक वीडियो जो अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ. बट ये बहुत स्पेशल है बिकॉज इसके अंदर फर्स्ट टाइम बहुत बड़े टीवी एक्टर्स के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. सारा एंड अंगद, बोथ ऑफ देम आर देयर इन द वीडियो, विच इज़ ब्रिलियंट. एंड इट्स अ रोमांटिक ट्रैक. जो गाना है वो काफ़ी रोमांटिक है, सेंशुअल है. जैसे आप सेंशुअल गाने देखते हैं फिल्मों के अंदर, उसी तरह से हम लोग इसको प्रेजेंट करने की और शूट करने की ट्राई कर रहे हैं. और अभी तक बहुत ही कमाल का वीडियो शूट हुआ है. और इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कैच है स्टोरी के अंदर, जो अभी हम किसी को रिवील नहीं कर रहे हैं, और जब ये वीडियो बाहर आएगा तभी आपको पता चलेगा. सो काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट होंगे, इस वीडियो के अगेंस्ट, मुझे पूरा यकीन है. और हमारे पास उसके जवाब भी तैयार हैं. अगर वो इसके खिलाफ जाते हैं, इस वीडियो के खिलाफ जाते हैं, तो वी आर ऑल रेडी. और हमें पता है कि हमें जवाब में क्या बोलना है उनको. इन दिनों जो है इंटरनेट पे काफ़ी लोग ट्रोल भी कर देते हैं पिक्चर्स को लेकर, और तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर गाना, जैसे आपने कहा कि कॉन्ट्रोवर्सी होगी अगर गाना आएगा, तो उसके लिए कितने तैयार हैं आप? जैसे आपने कहा, हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं. इनफैक्ट ये गाना फुल ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी ही है. इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ आपको. इसके अलावा जो सारा और अंगद की केमिस्ट्री है और जो हम लोगों ने सीन्स शूट किए हैं, वो काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी हॉट हैं. लेकिन ये जो कैरेक्टर प्ले कर रही है सारा, उसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है, मुझे पूरा यकीन है. एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे पास उसका जवाब भी है. इसके अलावा गाना काफ़ी सोलफुल है, तो गाने के बारे में थोड़ा कुछ बताया? गाना तो जान है, पूरे वीडियो की जान जो है वो गाना ही है बेसिकली देखा जाए तो. हम पहले यही देखते हैं कि गाना कितना अच्छा है. जब हमें गाना अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ, इसको हम ब्यूटीफुली शूट कर सकते हैं, जस्टिस दे सकते हैं, तो ही हम लोग वीडियो की प्लानिंग करते हैं. तो गाना मुझे लगता है अल्ताफ सैयद बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, मैंने उनके साथ बहुत काम किया है, काफ़ी वीडियोस किए हैं, काफ़ी हिट गाने दिए उन्होंने. ये मुझे लगता है उनकी करियर का सबसे बड़ा हिट गाना होने वाला है. ऐसा मेरा यकीन ही नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये गाना जो है बहुत ही अच्छा होगा उनके करियर के लिए. और
देखते हैं फिर रिलीज होने के बाद कितना सही होता हूँ मैं. लास्टली कब रिलीज होने वाला है, कब, अगर थोड़ा उस बारे में बताया. डेढ़ महीने बाद मेरे ख्याल से मिड ऑफ अक्टूबर वुड बी द राइट टाइम जब हम इस वीडियो को रिलीज़ करेंगे. जी म्यूज़िक ही रिलीज़ करेगा इसे. उनको गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और मुझे पूरा यकीन है वीडियो उन्हें उससे भी ज़्यादा पसंद आएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.